गाइस, आपने स्कैम 1992 का एक फेवरेट डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट वो कुआं है तो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वॉरेन बफेट यानी कि राकेश झुनझुनवाला के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 14 अगस्त 2022 को इनकी डेथ हो गई है। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर कहा जाता था। 5,000 रुपए से शुरुआत करके 50,000 करोड़ तक कैसे पहुंचे, ये सब आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। पहले हम राकेश झुनझुनवाला की बायोग्राफी जान लेते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 में हैदराबाद के एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि बाद में इनकी पूरी फैमिली मुंबई में सेटल हो गई, लेकिन हम ये कह सकते हैं शायद इनकी सक्सेस के पीछे इनके फादर का हाथ है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके फादर ना कोई इन्वेस्टर थे ना कोई ट्रेडर थे। इनके फादर तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, पर इनके फादर को शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था और ये अक्सर शेयर मार्केट की बातें अपने दोस्तों से किया करते थे, जिसे राकेश झुनझुनवाला दूर खड़े होकर सुनते थे। और तब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। एक दिन उन्होंने अपने फादर से पूछा कि शेयर मार्केट क्या चीज है। अब इनके फादर बोले, रोज न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की न्यूज को स्टडी करें और देखें कि किस तरह स्टॉक का प्राइस अप और डाउन हो रहा है। और तभी से राकेश झुनझुनवाला न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। इन्होंने स्टॉक मार्केट में करियर बनाने को ठान लिया, पर उस टाइम राकेश की उम्र सिर्फ 12 साल थी। तब इनके फादर ने इन्हें पढ़ाई पूरी करने को बोला, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए जेब में मनी होना बहुत जरूरी है। फिर 1985 में राकेश ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी की और फिर इन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए किए। उस टाइम बीएसई सेंसेक्स 150 अंकों पर था, मतलब 5,000 रुपए लेकर राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा और आज इनकी नेटवर्थ 46,000 से 48,000 करोड़ रुपयों के बीच है। पर कैसे 5,000 से इनकी नेटवर्थ 48,000 करोड़ हो गई, वो भी सिर्फ शेयर मार्केट की वजह से, और इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको राकेश झुनझुनवाला के कुछ बड़े इन्वेस्ट और प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, पर इनके फादर ने इन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। तब उस टाइम राकेश अपने बड़े भाई के पास गए, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। इसके बाद राकेश ने अपने भाई के कुछ क्लाइंट्स को शेयर मार्केट के बारे में बताया। तब इन्हें एक क्लाइंट से 5 लाख रुपए और एक क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए मिले। राकेश ने उन्हें उसका 2 गुना वापस करने का वादा किया। फिर राकेश ने उन्हीं पैसों से टाटा टी के 5,000 शेयर को 43 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। 43 रुपए पर शेयर आगे चलकर 3 महीने के अंदर 143 रुपए पर शेयर तक पहुंच गया, जिससे इन्हें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। और वॉरेन बफेट को तो आप जानते होंगे, पर राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला दोनों को कम उम्र में स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ गई थी और दोनों ने खुद के दम पर इतना बड़ा नाम कमाया। पर नाम बनते हैं रिस्क से। टाटा टी के शेयर बेचने के बाद इन्हें अच्छा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन शुरुआती कुछ साल के लिए काफी मुश्किलों से भरा था। इतने ऊपर पहुंचने में रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी तो राकेश झुनझुनवाला का नाम इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 36वें नंबर पर आता है। और इन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया 1986 के सेसा गोवा स्टॉक में। सेसा गोवा, जिसे आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं, 1986 में सेसा गोवा काफी घाटे में थी, क्योंकि उस टाइम लोहे की प्राइस बहुत कम थी और जिसके चलते सेसा गोवा के स्टॉक का रेट भी बहुत कम हो गया था। तभी राकेश झुनझुनवाला ने सेसा गोवा के 4 लाख स्टॉक को 25 से 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा और उस टाइम राकेश झुनझुनवाला ने अपने सारे पैसे सेसा गोवा स्टॉक में लगा दिया। अगर सेसा गोवा स्टॉक डूबता तो साथ में राकेश को भी ले डूबता। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेते थे और राकेश झुनझुनवाला को पता था कि आयरन और स्टील की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। सेसा गोवा के शेयर एक ही साल में 20 से 25% तक बढ़ गए, जिससे इन्हें काफी फायदा हुआ। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसके साथ एक चीज और है जो राकेश झुनझुनवाला करते थे और वो है पेशेंस। शेयर मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और इन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया जब इन्होंने टाइटन कंपनी शेयर खरीदे, जो कि एक वॉच कंपनी है। और 2002-2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदे, वो भी 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और कुछ ही सालों में वो 3 रुपए के शेयर 80 रुपए तक पहुंच गए। फिर कुछ दिनों में 80 रुपए के शेयर 30 रुपए तक गिर गए, लेकिन तब भी राकेश
झुंझुनवाला ने उन 6 करोड़ शेयर्स को नहीं बेचा कि अगर वो उस टाइम बेच देते तब भी इनका 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता। और राकेश झुंझुनवाला को पता था कि टाइटन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और जिस स्टॉक को राकेश झुंझुनवाला ने 2002-2003 में 3 रुपये में खरीदा था, आज उस 3 रुपये शेयर की कीमत 2558 रुपये है। पर मैंने आज की बात की है, प्रेजेंट टाइम की। लेकिन जब राकेश झुंझुनवाला ने उन शेयर्स को बेचा था तब इनकी कीमत 1182 रुपये थी, जिसकी वजह से इन्हें 900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और इसके अलावा टाइटन कंपनी में इनके 7200 करोड़ रुपए के शेयर्स थे। राकेश झुंझुनवाला से एक बात सीखने लायक है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें, उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करें, या फिर अपने किसी करीबी जिनको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है उनसे सीखने की कोशिश करें। अगर आपने ये सब चीज़ सीख लिया तो आप भी बन सकते हैं इंडिया के अगले वॉरेन बफेट। इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला ने 2003 में अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली, जिसका नाम था रेयर इंटरप्राइजेस। ये नाम राकेश ने खुद के और अपनी वाइफ रेखा के नाम पर रखा, जिसके थ्रू ये एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया था। और तो और राकेश झुंझुनवाला ने बॉलीवुड में भी एंट्री मार दी है। राकेश झुंझुनवाला ने बॉलीवुड में कई मूवीज बनाई, जैसे इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ और की एंड का। इसके अलावा इन्होंने अकाशा एयरलाइन भी चालू कर दिया, जिसके CEO विनय दुबे हैं। राकेश झुंझुनवाला ने इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर इतना नाम और पैसा कमाया, उसका ये मतलब नहीं है आप भी रिस्क लो और अपना सब कुछ लुटा दो। रिस्क लो पर छोटे पैमाने पर, लेकिन शुरुआत तो करो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड डीप फैट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और दुनिया के हर फैक्ट्स की जानकारी देते रहें। तो भाई लोग मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करें।